पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 2024 के चुनाव में अब एनडीए गठबंधन से कौन प्रत्याशी उतरेंगे, इसको लेकर के चर्चाओं के बाजार गर्म है। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन में बिहार में अभी सीटों का मामला फंसा हुआ है, पेच गबड़ा रहा है, क्योंकि इस बार कौन से कैंडिडेट कहां से उतरेंगे इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर मंथन का दौर जारी है। देखिए, आज सदन का आखिरी दिन था बिहार विधानसभा का, और आज के बाद से चाहे बीजेपी हो या फिर जो एनडीए गठबंधन के घटक दल हैं, वो सीटों के बंटवारे और अपने उम्मीदवार के नामों का लिस्ट जो है वो जारी करेंगे। बिहार में एक तरफ लिस्ट अभी तक नहीं बन पाया है, ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ है, एक संभावित लिस्ट जो है वो भी अभी तक कहीं ना कहीं नहीं निकला है, लेकिन चर्चाएं कई लोगों की चल रही हैं कि अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से किसी नए चेहरे को रिपीट करना है, किसी नए चेहरे को लाना है, तो जो पुराने चेहरे हैं उन्हें रिपीट करना है। तो क्या वो पुराने चेहरे, उनकी विश्वसनीयता, उनका जो कार्यकाल है अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में, वो कितना सफल रहा है, इस पर भी मंथन हो रहा है। दिल्ली से लेकर पटना तक लगातार फोन के घंटियां बज रही हैं, कई उम्मीदवार दिल्ली में हाजिरी लगा रहे हैं, दरबारी कर रहे हैं, टिकट की रेस में है वो। और इस क्रम में जब बात बिहार के आरा लोकसभा क्षेत्र की होती है, तब चर्चा होता है आर के सिंह का, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और लगातार दो बार से वो जीतते आ रहे हैं। एक बार फिर से 2024 में रिपीट होंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी किसी और को मौका देगी। देखिए, आरा लोकसभा सीट पर कई लोगों की दावेदारियां हैं, इनमें जहां एक तरफ आर के सिंह हैं तो दूसरे तरफ भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाते हैं पवन सिंह, उनके नाम की चर्चा खूब हुई है कि पवन सिंह आरा से, चूंकि उनका गृह क्षेत्र है आरा, और आरा से पवन सिंह चाहते थे कि भाई लोकसभा का चुनाव हम लड़े और वहां से भारतीय जनता पार्टी हमारी टिकट जो है वो फाइनल कर दे। आपने देखा होगा कि बिहार में 28 जनवरी को जब एनडीए गठबंधन की सरकार बनी थी, तब नीतीश कुमार से जो विधायक हैं विनय बिहारी, वो लेके गए थे पवन सिंह को, बधाई उन्होंने दिलवाई है, और तभी चर्चा हो गया था कि पवन सिंह चुनाव लड़ने के फुल मूड में है। लेकिन पवन सिंह को टिकट मिल चुका है, कहाँ से मिला है, आरा नहीं, बिहार नहीं, बल्कि उनको बंगाल शिफ्ट कर दिया गया है। जी हाँ, आसनसोल, यहाँ से पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, लगभग इनका नाम यहाँ से फाइनल हो चुका है। देखिए, आसनसोल क्यों, आसनसोल में एक बिहारी बेल्ट जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा है। आपको ये भी पता है कि वहीं से बिहारी बाबू और शॉर्ट गन के नाम से काफ़ी चर्चित है बॉलीवुड के एक्टर हैं शत्रुघ्न सिन्हा, वो भी वहाँ पर इस बार फिर से आ रहे हैं। एक बार सांसद हैं वो वहाँ के, लेकिन एक बार फिर से उनको कांग्रेस के तरफ से टिकट दिया जा रहा है, यानी कि दो बिहारी आपस में भिड़ते हुए दिखेंगे अलग अलग पार्टियों से, अलग अलग सिंबल पे। आप सबको बता दें कि बीजेपी से पिछली बार जो अग्नि मित्र पॉल थे वो वहाँ से लड़ाई लड़े थे, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा था, 30% उनको वोट मिला था, और लगभग उनको वोट मिला था 353,149। और बात जब शत्रुघ्न सिन्हा की करते हैं, जो आसनसोल से, जो इस बार INDIA गठबंधन के एक बार फिर से उम्मीदवार होंगे, उनको 656,358 वोट मिला था, और अभी वर्तमान में वो सांसद हैं, एक बार फिर से वो रिपीट हो रहे हैं। तो क्या बंगाल में पवन सिंह का जादू चलेगा, इस पर भी एक बड़ा प्रश्न है। पवन सिंह को आखिरकार क्यों वहां पर उतारा गया है, ये भी एक सोचने वाली बात है। पवन सिंह आरा, जो कि उनका गृह क्षेत्र है, आरा छोड़ के उनको भारतीय जनता पार्टी ने आसनसोल में भेज दिया है। क्या जो पुराने कैंडिडेट थे जिनका नाम अग्नि मित्र पॉल था, वो इस बार उनका टिकट कट चुका है, क्या वो एक बड़े फैक्टर नहीं बन रहे थे वहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा से टक्कर लेने की? आखिरकार पवन सिंह को उतारने की वजह क्या है, क्या वाकई में पवन सिंह वहाँ पर जीत पाएंगे, या फिर जो वोट का अंतर था, जो 3 लाख का अंतर पिछली बार था, क्या वो वोट का अंतर फिर से घट जाएगा? एक बड़ा दाव भारतीय जनता पार्टी ने आसनसोल लोकसभा क्षेत्र पर खेला है, पवन सिंह का नाम वहाँ पर लगभग तय है,
और वहां से देखने वाली बात है कि 24 के चुनाव में क्या विश्वसनीयता भारतीय जनता पार्टी के लिए पवन सिंह दिखा पाते हैं। उनके लिए भी एक अग्नि परीक्षा जैसी ही होगी, पहली बार वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पवन सिंह कितना अपना दमखम वहाँ पे दिखा सकते हैं वो भी एक कहीं ना कहीं कहा जाए तो लिटमस टेस्ट जो है उनका भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। हो सकता है कि 24 नहीं 29 में आरा में अगर वो वहाँ से नहीं जीतते हैं, अगर वहाँ से जीत भी गए तो आरा से हो सकता है कि पवन सिंह को 29 में बिहार वापस लाया जाए और आरा से लड़वाया जाए। हालांकि ये अभी कयासों के बाजार होंगे, संभावित खेल होंगे, क्या होता है ये तो 24 के चुनाव के बाद ही, परिणाम आने के बाद ही सब कुछ स्पष्ट होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन चर्चाएं लगातार भारत लाइव पर जारी है, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।